All right, so Hassan ke network problem hai. Okay, so I'm taking attendance and screenshots. Hassan ki bhi thi ke main mark kar leta hu. Hassan ki ID mujhe Mehboob aap bhej sakte hain. Hassan 8125 maujood hai Hassan to. Okay, I have taken screenshots for the attendance. Okay, I have marked the attendance of these guys as well. Quickly, हम DFS को recall कर लेते हैं. DFS कैसे चलता था और then जो है हम आगे जो है वो बात कर लें. सैयद मोहम्मद हसन का भी नेट इशू है 8095. तीन बज गए. Alright, for the disconnection from my side, I don't know, my internet is also not working good today. Let us see ये क्या हो पाता है आज.
ऑलराइट सो हमने डीएफएस का लास्ट टाइम कोड भी देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि वो कैसे रन होता है, उसको मैं क्विकली जो है वो रिकॉल करके और जो है नेक्स्ट उसी को चूंकि हमने एप्लीकेशंस देखनी है तो इट्स बेटर कि हम उसको रिकॉल कर लें। पॉइंट ऑलराइट सो वी हैव सीन कि हमारे पास हर हर वर्टेक्स के ऊपर हम ये चेक करते थे कि उसका कलर व्हाइट नहीं, तो उसके बाद डीएफएस विजिट अप्लाई कर लेते थे। और डीएफएस विजिट हमारे पास क्या काम करता था कि हर हर कलर हर हर नोट के साथ एक टाइम वेरिएबल को एसोसिएट करता था। टाइम वेरिएबल को इनिशियली हमने जो है वो जीरो से इनिशियलाइज कराया था, उसके बाद जो जैसे डीएफएस विजिट कॉल होता है किसी नोट के ऊपर वो उसके टाइम वेरिएबल का इंक्रीमेंट करता, उसके कलर ग्रे करता, फिर उसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर जाके बारी बारी उसकी तमाम एडजेसेंसी लिस्ट को डेप्थ मैनर के अंदर नहीं उसके तमाम चाइल्ड्स को कवर करता। और उनके ऊपर कवर करने का मतलब क्या है कि उनके कलर को जो है वो उनका पेरेंट यू कर देता और जो है उसके ऊपर डीएफएस विजिट कॉल करता। डीएफएस विजिट जब कॉल करता ऑब्वियसली उसका कलर भी ग्रे करता और फिर मजीद उसके चाइल्ड्स की तरफ चला जाता। We are actually recalling the previous voice. That's why I am talking very fast because इससे पहले कि नया काम ना कर सके तो मैं चाह रहा हूँ कि पुराने काम को हम जल्दी से उससे आगे बढ़ जाएं। आप फाइनली जब किसी नोट के तमाम फाइनली जब किसी नोट के तमाम एंड जो है वो कवर हो जाते हैं तो फिर हम जो है उसका कलर ब्लैक कर लेते थे और उसके टाइम वेरिएबल में इंक्रीमेंट करके उसका जो है फिनिशिंग टाइम जो है वो डिफाइन करा देते हैं एज यू कुड सी इन लाइन नंबर 10। राइट सो क्विकली हम इसको जो है वो ड्राई रन करके देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो है वो ये नोड एक जो है वो सोर्स नोड है और ये एल्गोरिथम ने खुद ही सेलेक्ट करनी है, यूजर ने प्रोवाइड करेगा एल्गोरिथम कौन सी नोड बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेगा जो उसके एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर या एडजेसेंसी मैट्रिक्स को और अगर ग्राफ इनपुट किया गया तो जो उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो पहले प्रोवाइड की गई होगी उसी को जो है वो एज अ एडजेसेंसी उसी को जो है वो सोर्स वर्टेक्स के तौर पे जो है वो शुमार कर लेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इसका जो है वो स्टार्टिंग टाइम डिफाइन करेगा, स्टार्टिंग टाइम 1 डिफाइन किया और फिर इसके जो है वो चाइल्ड नोड के ऊपर चलेगा। चाइल्ड इसके जो है या एडजेसेंट इसके नोड एक ये थी और एक ये थी जो एडजेसेंसी लिस्ट में पहले लिखा होगा उसके ऊपर चले जाएंगे। वी आर कंसीडरिंग कि ये एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर पहले लिखा हुआ है सो हम इस पे चले गए। इसका स्टार्टिंग टाइम डिफाइन किया, इसका कलर ग्रे किया, इसका पेरेंट ऑब्वियसली पिछली वाली नोड डिफाइन कर दी कि फॉर इंस्टेंस इस नोड की पेरेंट ये नोड है। राइट उसके बाद इसके मजीद चाइल्ड पे चले गए स्टार्टिंग टाइम। अच्छा अब इस नोड के जो है वो तमाम एडजेसेंट नोड चूंकि कवर हो गए थे, इस नोड की एक ही एडजेसेंट नोड थी वो ये थी जिसका कलर ऑलरेडी व्हाइट था, इसका मतलब यहाँ तक हम पहले पहुंच चुके थे तो वी कैन फिनिश दैट नोड। और अब इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे, इसका फिनिशिंग टाइम यू कैन सी के 4 हमने डिफाइन करा दिया है। नेक्स्ट पर जहां से आए थे वापस उसी नोट के ऊपर रिकर्जन बैक होंगी, यानी इस वाली नोट के ऊपर जो है हम वापस जाएंगे और इसकी मजीद एडजेसेंट नोट्स की तरफ जो है फॉर लूप जो एक चल रही थी वो इसकी मजीद एडजेसेंट नोट्स की तरफ जाएगी। तो एडजेसेंट नोट इसकी मजीद जो है दूसरी वो ये है तो वापस रिट्रैक होकर हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट नोट के ऊपर चल जाएंगे। इसका स्टार्टिंग टाइम 5 डिफाइन हो जाएगा बिकॉज लास्ट टाइम हमारे पास जो है वो टाइम की वैल्यू लास्ट आइट्रेशन के ऊपर या फिनिशिंग टाइम जो हमने डिफाइन किया था वो 4 था। और फिर इसके मजीद एडजेसेंट चूंकि कोई नहीं है तो हम इसको फिनिश कर देंगे 6 के ऊपर। वापस पिछली नोट के ऊपर है वो 7 पे फिनिश हो गए, वापस पिछली नोट पे है इसके। ऑल्दो अभी जो है वो एडजेसेंट नोट्स बाकी थी, इसके एडजेसेंट नोट कौन कौन सी थी, ये वाली नोट थी, ये वाली नोट भी बाकी थी लेकिन इसका कलर ब्लैक है तो इसके आने के बाद कोई काम होगा नहीं। तो वो नेक्स्ट एडजेसेंट नोट के ऊपर हम चले गए और नेक्स्ट एडजेसेंट नोट पे जो है स्टार्टिंग टाइम हमने डिफाइन करा दिया, उसके फिर नेक्स्ट एडजेसेंट नोट के ऊपर चले गए स्टार्टिंग टाइम 9 डिफाइन करा दिया। इस नोट की जो एडजेसेंट नोट है उसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है, इस नोट की जो एडजेसेंट नोट है उसका कलर जो है वो ऑलरेडी ब्लैक है, देयरफॉर जो है ये नोट भी जो है हमारे पास फिनिश हो जाएगी और फिनिशिंग टाइम 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वापस जहां से हम आए थे रिकर्जन वहीं पे वापस बैक होंगी, यानी इस वाली नोट के ऊपर इसकी एक और एडजेसेंट नोट जिसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है तो ये भी फिर फाइनली दैट्स व्हाई फिनिश हो जाएगी विद द फिनिशिंग टाइम इक्वल्स टू 11। फिर लास्ट वाली नोड भी जो फिनिश होगी फिर फिनिशिंग टाइम 12। तो यहाँ पे जो है वो मेन लूप की एक आइट्रेशन अभी मुकम्मल हुई है। ऑल्दो ये डीएफएस विजिट मेन लूप जो है वो हर हर नोड के ऊपर या हर हर वर्टेक्स के ऊपर कॉल करेगा, अभी सिर्फ इसके ऊपर कॉल करेगा, इसने जो है फिर इसके ऊपर कॉल कर दी, इसने इसके ऊपर कॉल कर दी, फिर ये वापस रिटर्न हुआ, इसने इसके ऊपर भी कॉल कर दिया, रिटर्न हुआ, इसने इसके ऊपर भी कॉल कर दिया, इसने इसके ऊपर भी कॉल कर दिया। तो मेन लूप की तो अभी एक ही आइट्रेशन कॉल हुई थी, उसके बाद क्या होगा और मजीद वर्टेक्स पर कॉल होगा
इसके ऊपर कॉल होगा लेकिन जो है सॉरी इसके ऊपर कॉल होगा, इसके ऊपर तो कॉल हो चुका है, इसके ऊपर कॉल होगा लेकिन कुछ काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है. वी हैव पुट दैट चेक कि अगर नोट का कलर व्हाइट हो तो जो है वो डीएफएस विजिट कॉल करना होता है. तो इसके ऊपर डीएफएस विजिट कॉल नहीं होगा, इसके ऊपर भी जाके हाइड्रेशन तो चलेगी लेकिन कॉल नहीं होगा बिकॉज कलर ब्लैक हो चुका है और इन तमाम नोट्स का. जब इसकी बारी आएगी इसका कलर चूंकि अभी तक व्हाइट है तो इसके ऊपर डीएफएस विजिट कॉल होगा और वो इसका स्टार्टिंग टाइम डिफाइन करेगा. लास्ट टाइम जो हमारे पास है वो 12 है, इसका स्टार्टिंग टाइम जो है मेरे पास 13 डिफाइन हो जाएगा और फिर जो है ये मजीद खुद से फिर कॉल कर लेगा इसके ऊपर बिकॉज ये इसके एडजस्टेंट नोड है. उसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो 14 डिफाइन हो जाएगा. फिर ये नोड के बाकी जो एडजस्टेंट नोड है वो ऑलरेडी उसका कलर ब्लैक है, सो दैट्स व्हाई ये फिनिश हो जाएगी. और फिनिश होकर जो है इसका फिनिशिंग टाइम 15 हो जाएगा और इसका जो है वो फिनिशिंग टाइम जो है 16 हो जाएगा. एंड दैट ऑल जो है मेरे पास एल्गोरिथम जो है वो रन हो गया. यहाँ पे रेड से वो एजेस मार्क कर दिए जिनके जरिए से या जो जिसका पेरेंट है. एक्चुअली हम पायर यानी पेरेंट को भी सेव करा रहे थे हर नोट की. इस नोट की पेरेंट नोट ये नोट है, इस नोट की पेरेंट नोट ये नोट है बिकॉज इस नोट तक हम इस नोट से पहुंचे थे. सिमिलरली इस नोट की पेरेंट नोट ये नोट है, इस नोट की पेरेंट नोट ये नोट है, इस नोट की पेरेंट नोट ये नोट है, इस नोट की पेरेंट नोट ये नोट है. ये तमाम जो हमारे पास नोट्स पहुंचे थे राइट. यहाँ तक का वो जो काम है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था और अब हम इसको जो है वो आगे बढ़ाने चाह रहे हैं. कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. No, sir. All right. सर क्विज कितने बजे होगा ये बता दें क्योंकि 3 बजे लाइट जाती है 1 घंटे की. अच्छा ठीक आप कौन बात कर रहे हैं काइंडली अपना नाम बताइएगा. मैं एजाज बात कर रहा हूँ सर. 3 बजे जाएगी 4 बजे तक आ जाएगी. आ जाएगी एजाज. एजाज एक्चुअली मेरा प्लान तो यही था बाकी सारी क्लासेस में भी जैसे स्टूडेंट कह रहे थे क्लास के एंड में ले लिया करेंगे और अभी प्लान यही है हम क्लास के एंड में ही ले लिया करेंगे लेकिन बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट वो लोग ये चाहते हैं आपकी जो मैनेजमेंट है कि 10th of April तक आपसे जो है वो कोई सबमिशन ना लीजिए ना ही क्विजेज ना ही असाइनमेंट्स. So that's why we are again postponing that. और हम जो है वो 10th April के बाद जो है फिर आपसे quizzes और assignments की submission. Thank you sir. जी. सर ये restrictions जो है ये सिर्फ आपके course पे हैं. बाकी teachers जो हैं वो क्यों ले रहे हैं फिर? किसी ने लिया है course quiz? Yes sir. ये task के नाम पे सारे assignments दिए जा रहे हैं. Assignment किसने दिया आपको? बाकी teachers जो हैं. देर से कराना होगा 10th April की बात कराना होगा. सबमिशन है सर हमारी AI लैब के असाइनमेंट. ऑलराइट बैरल हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है कि आप 10th April तक दे वांट टू रिलीव यू एंड दे आर फाइंडिंग के जो है ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट जो है वो कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं. So, वो 10th April तक वो चाह रहे हैं कि एक चीज़ें जरा फ्लो में आ जाएं सारी और उसके बाद आप quizzes लें. बहरहाल वी ऑल हैव दैट रिस्ट्रिक्शन इफ समवन इज फॉलोइंग और समवन इज नॉट फॉलोइंग ये बहरहाल अलग मैटर है लेकिन ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से तो है राइट. ओके हमारे पास जो है DFS introduces an important distinction among ages. हमने अभी जो बात की से मैंने कुछ एजेस यहाँ पे हमने देखे थे रेड से मार्क हुए में और ये वो तमाम एजेस हैं जिनकी मदद से जो है हम दूसरी नोट्स तक पहुंचे थे या जो जो है वो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करें. मिसाल के तौर पे इस नोट की पेरेंट नोट ये वाली नोड है, इस नोट की पेरेंट नोट ये वाली नोड है वगैरह वगैरह. वी कॉल दीज एजेस एज ट्री एजेस. ये जो रेड वाले एजेस हैं वी कॉल दीज एजेस एज ट्री एजेस. और ये ट्री एजेस कौन से होते हैं? जब भी हम कोई नया वाइट वर्टेक्स जो है वो इनकाउंटर करते हैं एक्चुअली वो ट्री एज होते हैं जिसके जरिए हम उस वर्टेक्स तक पहुंचे थे. So tree age form a spanning tree or maybe sometimes spanning forest जैसे अभी अभी हमने देखा most of the time spanning forest ही बनाएगा क्योंकि हर एक तक पहुंचने का अगर रास्ता नहीं होगा तो spanning forest बनेगा हमारे पास. तो ये एक tree है spanning tree. हम आज देखेंगे भी spanning का मतलब ये होता है कि जहां से हर एक तक पहुंचा जा सके. जैसे इस vertex तक मैं जो है वो बकिया vertices तक पहुंच सकता हूँ. यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ भी पहुंच सकता हूँ, यहाँ भी पहुंच सकता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी पहुंच सकता हूँ इस अकेले vertex से राइट. लेकिन इन दो वर्टेक्स पे नहीं पहुंच सकते. तो ये एक आई कुड से कि ये जो है मेरे पास एक अलग ट्री है और ये जो है मेरे पास एक अलग ट्री मौजूद है. सो दीज रेड वर्टेक्स नोन एज ट्री एज, दीज रेड एजेस नोन एज ट्री एजेस दे फॉर्म स्पैनिंग फॉरेस्ट. और इनकी निशानी क्या है कि जब भी हम कोई वाइट वर्टेक्स इनकाउंटर करेंगे
तो उस जिस एज के जरिए हमने व्हाइट वर्टेक्स एनकाउंटर किया होगा, वी विल कॉल द एल्गोरिथम विल कॉल दैट एज एज ट्री एज. इन एजेस की वजह से जो हमारे पास जो है वो कुछ फर्क पड़ता है. हम देखेंगे इन एजेस की एप्लीकेशन भी, इन एजेस की वजह से हमारे पास क्या जो है वो हम इन एजेस की वजह से एप्लीकेशन बना पाते हैं. नेक्स्ट वी हैव सम अदर एजेस. सो रेड वाले जो एजेस है हेरेडिटरी एजेस है, नोन एज बैक एज. बैक एज आर फ्रॉम डिसेंडेंट टू एंसेस्टर. और इसकी निशानी क्या है, व्हेन वी एनकाउंटर अ ग्रे वर्टेक्स, जब हमें ग्रे से ग्रे वर्टेक्स मिलता है तो हम उस एज को बैक एज, जैसा कि यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया गया है उस एज को, ये एक बैक एज है. और ये क्या है, ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्रॉम डिसेंडेंट टू एंसेस्टर है. और आपको याद होगा हमने जो एल्गोरिथम में जैसे डीएफएस यहाँ अप्लाई किया था इस नोड के ऊपर, इस नोड ने इसके ऊपर कॉल कर लिया, इसने इसके ऊपर, ऑल्दो ये इसका जो है जैसे नोड मौजूद था और इसके ऊपर आइटरेशन चली, लेकिन जो है इसका कलर उसको ऑलरेडी ग्रे नजर आया. सो जब मेरे पास ग्रे नोड को ग्रे कलर नजर आएगा तो वी कैन मार्क दैट एज एज बैक एज. और ये बैक एज जो है वो खास तौर पे जो है हमारे पास बड़ा किरदार अदा करता है. यू कैन सी कि ये बैक एज एक्चुअली ग्राफ में, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं बजाय बाद में उसको टाइम लगाने के, ये बैक एज जो है वो ग्राफ में साइकिल क्रिएट कर रहा है. यू कैन सी कि ये तीनों एज, तीनों वर्टेसेस मिलके जो है वो आपस में साइकिल बना रहे हैं. सो अगर इसका मतलब है किसी ग्राफ के अंदर बैक एज मौजूद होगा, इट विल क्रिएट साइकिल एंड वी कैन यूज डीएफएस to find cycles in a graph. अगर मैं DFS apply करूं और DFS के नतीजे मुझे कोई back edge मिलता है उस graph के अंदर, back edge का मतलब क्या है, grey से grey vertex मिला था, which is implying के ये graph के अंदर जो है वो cycle बना रहा है. So we have a theorem कि अगर मेरे पास जो है वो graph के अंदर back edge मौजूद है, अगर graph के अंदर back edge मौजूद है, so अगर ग्राफ के अंदर बैकेज मौजूद है इसका मतलब है ग्राफ साइक्लिक है. और दूसरे लफ्जों के अंदर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है वो ए साइक्लिक होगा, यानी उसके अंदर साइकिल्स नहीं होगी, इफ एंड ओनली इफ डीएफएस यील्ड्स नो बैकेज. अगर कोई बैकेज डीएफएस यील्ड नहीं करता तो दिस इज एन इम्प्लीकेशन कि ये जो ग्राफ है ये ए साइक्लिक है, यानी इसके अंदर साइकिल्स नहीं है. लेकिन अगर बैकेज डिटेक्ट कर लेता है तो दिस मींस के ग्राफ जो है वो एसाइक्लिक नहीं है, यानी ग्राफ के अंदर साइकल्स मौजूद हैं, राइट. सो बैक एजेस एंड ट्री एजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्री एजेस वो एजेस थे जिनकी मदद से हम पहुंच रहे थे, और बैक एज वो एज था जिस जो हमें ये बता रहा है कि साइकल्स मौजूद है. और बैक एज की निशानी क्या, एल्गोरिथम कैसे पहचानेगा, जब भी वो ग्रे एज से ग्रे एज उसको जो है वो मिलेगा, जब भी ग्रे एज से ग्रे वर्टेक्स से ग्रे वर्टेक्स वाली मिलेगा, तो ऐसे एजेस को जो है हम बैक एज कहना शुरू करेंगे. Alright, next we have forward age. Forward age are from ancestors to descendant. From ancestors to descendant. Or just like tree age, the ancestors are descendant. Hote the, but they are not tree age though. And they are from gray node to black node. Jab gray node se koi black node encounter hogi, to aise ages ko hum forward ages kahenge. Jaisa ki ye violet color se ek age highlight hua hai. ये कैसे कब हुआ था मेरे पास, जब ये नोट का कलर तो ग्रे था लेकिन इस नोट पे मैं यहाँ से पहुंच चुका था और इसको मैं इवन फिनिश भी कर चुका था. यू कैन चेक द फिनिशिंग टाइम कि ये 6 है और फिर ये फिनिश हुई थी 7. सो ये नोट इसका मतलब ब्लैक हो चुकी थी. तो ये वाले एज ऑल्दो ये है फॉरवर्ड जो है वो डायरेक्शन के अंदर एंसेस्टर टू डिसेंडेंट है, लेकिन ये ट्री एज नहीं है. तो आई कैन सेफली से कि वो फॉरवर्ड एजेस जो ट्री के अलावा एजेस वो फॉरवर्ड एंसेस्टर टू डिसेंडेंट वाले एजेस जो ट्री के अलावा एजेस होंगे वो फॉरवर्ड एजेस मेरे पास कहलाएंगे. उनकी निशानी क्या है कि ग्रे से जब मुझे जो है कोई ब्लैक नोड मिलेगी, एल्गोरिथम डिटेक्ट कर सकता है जब भी उसको जो है वो ब्लैक नोड कोई मिलेगी किसी नोड के एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर, तो वो फॉरवर्ड एज एक्चुअली होगा वो एज जो है. एंड लास्टली वी हैव क्रॉस एज एज वेल. It is between a tree or subtree and from uski nishani kya hai, from gray node to black node. Again, forward age bhi gray node to black node hi tha aur cross age bhi gray node to black node. So most of the algorithms don't distinguish between cross age and forward age. You can keep a nishani hai ki ye bhi gray node se black node ki taraf hote hain, forward age bhi gray node se black age ki taraf hote hain, but they are different. For instance, mere paas jo hai ye jo blue se highlight hai, they are cross ages aur ye wo ages the. अगेन ये भी ग्रे से ब्लैक की तरफ ही थे, लेकिन ये दो सब ट्रीज के दरमियान थे. यू कैन रिमेम्बर कि हमारे पास जो हमने डीएफएस चलाया था तो एक इस
कॉल के ऊपर जब हम यहाँ पूरे तक पहुंच गए थे, इस कॉल के ऊपर हम यहाँ दो तक पहुंचे, तो ये एक सब ट्री था मेरे पास, एक और सब ट्री था इस पूरे ग्राफ के अंदर जो दो ट्रीज बने थे, इनके दरमियान जो एक्चुअली एजेस होते हैं इनको हम क्रॉस एज कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड एंड क्रॉस एजेस, ट्री एंड बैक एजेस आर इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने देख लिया ट्री एजेस वो एजेस थे जिसकी मदद से जो है वो एल्गोरिथम या जो है वो DFS जो है स्पैनिंग फॉरेस्ट बनाता है, यानी हर नई वर्टेक्स तक पहुंचा था, और जबकि बैक एजेस वो एजेस थे जो हमें बता रहे थे कि ग्राफ के अंदर साइकिल्स मौजूद हैं कि नहीं, राइट? सो ट्री एंड बैक एजेस आर इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड एंड क्रॉस एजेस एज वेल. कोई क्वेश्चन यहाँ तक ये चारों एजेस के बारे में? स्क्रीन नहीं आ रही है बिलाल रिजवी के पास, बाकी सब लोगों के पास आ रही है? यस सर. ओके बिलाल रिजवी, आप भी कोशिश करें कि प्राइवेट मैसेज करने के बजाय एवरीवन को कर दिया करें, सो दैट अगर कोई बिलाल रिजवी के पास भी आ गई तो ताकि जो है वो आपके क्वेश्चंस की जो है वो ऑल डाउट भी क्रॉस कंफर्म कर लिया करें. ओके थैंक यू, सब लोगों के पास आ रही है, बिलाल रिजवी कह रहे हैं उनके पास अब स्क्रीन आ गई है. So we have already seen this theorem के हमारे पास back edges की मदद से हम ये पहचान सकते हैं क्या graph में cycles हैं या नहीं है, right? और ये हम कितने time में जो है वो calculate कर सकते हैं जो है कि graph के अंदर cycles हैं कि नहीं. Again चूंकि हम DFS apply करके जो है वो ये बात मालूम कर रहे हैं, तो जितना time DFS लेता है उतने ही time के अंदर हम ये बात मालूम कर सकते हैं, यानी big of v plus e time के अंदर, big of v plus e जो है DFS का running time, तो DFS लगा के मैं इवन ये फाइंड कर सकता हूँ कि ये ग्राफ एसाइक्लिक है. फॉर इंस्टेंस हमें एक ग्राफ दिया जाए और प्रॉब्लम ये हो कि हमें फाइंड करने हो कि ग्राफ के अंदर साइकिल्स हैं कि नहीं. आपके पास पेपर के अंदर भी ऐसा हो सकता है, कोई सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया जाए, कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट कर दी जाए कि जिसकी वजह से, यानी वो आपको साफ साफ तो नहीं लिखा हुआ होगा कि आपने चेक करना है कि ग्राफ एसाइक्लिक है कि नहीं, लेकिन वर्ड्स के अंदर और टेक्स्ट के अंदर और सारे सिनेरियो के अंदर ये लिखा हुआ हो सकता है कि हमारे पास जो है वो फॉर इंस्टेंस सेल्स मैन है और उसने इस तरह से जो है वो डिलीवरी करनी है, या कोई जो है पार्सल डिलीवरी बॉय है, और आपके पास जो है वो अगर ग्राफ के अंदर साइकिल्स हुई तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स, तो आपने डिटेक्ट करनी है कि ये आपके पास जो है वो ग्राफ इनपुट किया गया, आपको ग्राफ दिया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स मे बी, और मे बी आप ग्राफ बना के दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप फाइंड करें कि क्या इस डिलीवरी बॉय को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी. तो सो आपके पास अब आपने कैसे चेक करना है ये आपके पास आइडिया होना चाहिए. हम ग्राफ में साइकिल्स कैसे डिटेक्ट करते हैं, वी यूज DFS. आप उस ग्राफ के ऊपर DFS अप्लाई करेंगे और DFS अगर कोई बैक एज रिटर्न करता है तो आप कह देंगे कि इस ग्राफ के अंदर साइकिल मौजूद है, उस डिलीवरी बॉय को लेट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर कुछ साइकिल्स नहीं डिटेक्ट करते DFS तो आप कह सकते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर इस ग्राफ के ऊपर डिलीवरी बॉय को प्रॉब्लम. सो प्रीवियसली वी हैव प्लान कि हम कुछ इसी किस्म के सिनेरियो टाइप के क्वेश्चंस ही आपको दें, और पॉसिबली अभी भी कुछ इसी किस्म के क्वेश्चंस होंगे, मे बी अगर हम ऑनलाइन ही एग्जाम देना होगा तो थोड़ा सा हमें जो है वो चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, और विल सी के क्या होता है फाइनल एग्जाम्स. लेकिन अगर पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, आप यूनिवर्सिटी आके एग्जाम देंगे, तो ऑब्वियसली सिनेरियो वाले क्वेश्चंस ही आपके पास ज्यादा होंगे. क्रॉस एजेस महबूब कह रहे हैं, रिपीट कर दूं महबूब, क्रॉस एजेस वो एजेस थे जो बिटवीन ट्रीज एंड सब ट्रीज हमारे पास मौजूद थे. फॉर इंस्टेंस ये जो ब्लू वाले एजेस हैं ये क्रॉस एजेस हैं, और अगेन ये भी ग्रे नोड से ब्लैक नोड जब मिलती है, फॉर इंस्टेंस जब मैं यहाँ पे था, यानी मैं इस आइट्रेशन खत्म हो गई, मेरे पास ये वाली आइट्रेशन खत्म हो गई, ये वाली आइट्रेशन खत्म हो गई, और फिर जब मैं इस दूसरी आइट्रेशन के ऊपर आया तो मुझे ये नोड ग्रे थी और इसके एडजेसेंट नोड ये भी थी लेकिन ये ब्लैक थी, तो इस एज को जो है हमने फिर क्रॉस एज कहना शुरू किया था. और क्रॉस एजेस एक्चुअली जो है वो बिटवीन ट्री सब ट्रीज होते हैं, एक्चुअली ये एक ट्री बना था और ये एक ट्री बना था और इसके दरमियान जो एजेस हैं उस क्रॉस एजेस. सो बट it's not impossible but hard to detect between forward and cross edges, so most of the algorithms don't distinguish and they are not important even theoretically. I mean go different kar rahe but they are not important, so most of the algorithms distinguish between tree edges and back edges only, not forward and cross edges. unko wo ek hi tarah se treat karte hain kyunki dono ki nishani bhi yahi hoti hai, wo
ग्रे से ब्लैक वर्टेक्स जब मिलता है तो वो भी वही फॉरवर्ड एज होता है, वो भी वही क्रॉस एज होता है. तो बहरहाल उनकी डिस्टिंग्विश ये है कि वो एक अलग ट्री से स्टार्ट हुआ था और ये अलग ट्री से स्टार्ट हुआ था. सो दैट्स द मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम डोंट डिस्टिंग्विश देम राइट. और वो हमारे लिए उसके देश कोई एप्लीकेशंस भी मौजूद नहीं है. तो हम जो है वो ट्री एजेस और बैक एजेस ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि बैक एजेस समय पर आपके ग्राफ के अंदर साइटोस मौजूद है. क्या लास्ट एप्लीकेशन ऑफ BFS वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट्स जिसकी वजह से हमने खास तौर पर टाइम वेरिएबल का ट्रैक रखा था इज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होती है कि मैं अपने ग्राफ को टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ डैग डैग रिमेंबर क्या था मेरे पास डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर साइकिल्स ना हो और वो डायरेक्टेड ग्राफ था मेरे पास. तो उसको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज एक्चुअली लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ. मैं वर्टिसेस की ऑर्डर करूंगा, किस तरह से ऑर्डर करूंगा, सच दैट वर्टेक्स यू कम्स बिफोर वर्टेक्स वी. यानी मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी कुछ वर्टिसेस मौजूद हैं, ए बी से पहले आना चाहिए या ए फॉर इंस्टेंस ए डी से पहले आना चाहिए अगर ए से डी मेरे पास कोई एज मौजूद है. कितना पहले हो सकता है ए के बाद बी सी डी आ जाए या बी सी उसके बाद ए और फिर डी आ जाए, लेकिन ए जो है वो डी से पहले होना चाहिए अगर ए से डी मेरे पास कोई एज होता है. सेम थिंग इज रिटन हियर इन द फॉर्म्स ऑफ यू एंड वी. It's a linear ordering of all vertices in graph such that vertex U come before vertex V if age U V belongs to that graph. कि अगर U V कोई age exist करता है, अगर U से V कोई age exist करता है, तो U वाला vertex V से पहले लिखा होना चाहिए. यानी मैंने linear ordering करनी है, reordering करूंगा मैं graph के vertices को, पहले ये वाला vertex फिर वो वाला vertex और फिर वो वाला vertex. लेकिन U वाला vertex V से पहले लिखा होना चाहिए. हो सकता है U और V के दरमियान बहुत सारे vertices हो या U के बाद डायरेक्टली भी लिखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज U जो है वो V से पहले आना चाहिए. ऐसा हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की जरूरत कब पड़ती है, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं. द वन इंपॉर्टेंट केस जो आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन हुआ है इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल इज गेटिंग ड्रेस्ड. किसी आदमी को जो है वो कपड़े पहनने, तो कपड़े पहनने का उसको एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा. वो ऐसा नहीं कर सकता कि शूज पहन ले और उसके बाद में सॉक्स पहन ले राइट, या जो है वो कोई और काम जिसके दरमियान में आपस में डिपेंडेंसी है. ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्लाइड के ऊपर ही आ गया मेरे पास ग्राफ, कि ऐसा नहीं हो सकता कि शूज पहन ले उसके बाद सॉक्स पहने. तो देयर इज अ डिपेंडेंसी कि सॉक्स पहले आने चाहिए और शूज जो है वो बाद में होनी चाहिए. सिमिलरली मेरे पास जो है वो जैकेट जो है वो शर्ट से पहले, जैकेट जो है शर्ट के बाद आनी चाहिए, शर्ट जो है वो जैकेट से पहले पहने. ऐसा नहीं हो सकता कि जैकेट पहनने के बाद ऊपर से जो है वो शर्ट पहने. सो देयर आर डिपेंडेंसीज. सिमिलरली ऐसा भी एक डिपेंडेंसी ग्राफ बन सकता है आपके जो प्रीरेक्विजिट जैसे कोर्सेज होते हैं कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन में रजिस्टर कर सकेंगे, डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ेंगे तो आप असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में रजिस्टर कर सकेंगे, असेंबली लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे पास कर लेंगे तो फिर आप जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स के में जो रजिस्टर कर सकेंगे. सो देयर आर डिपेंडेंसीज. ऐसी जो आप IICT पढ़ते हैं तो आप जो है वो फॉर इंस्टेंस डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क सपोर्ट जो है वो पढ़ पाते हैं. सो अब आपने क्या करना है कि IICT को डेटा कम्युनिकेशन से पहले पढ़ना है. आप जस्ट पहले पढ़ लें उससे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लें या बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ लें, लेकिन IICT आपने डेटा कम्युनिकेशन से पहले पढ़ना चाहिए. सो इसी तरह और कोर्सेज की आपस में डिपेंडेंसी. आप ये चाहते हैं कि मैं अपने कोर्सेज की एक लिनियर ऑर्डरिंग कर लूँ कि जिसकी वजह से मेरे को कोई कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो, कि सबसे पहले मैं ये कोर्स पढ़ लूँ फिर ये कोर्स और फिर ये कोर्स और ये कोर्स पढ़ता जाऊँ तो मेरे पास कोई जो है वो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन ना. तो सिमिलरली फॉर गेटिंग ड्रेस्ड एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट टास्क हैं यहाँ पे, डिफरेंट टास्क जैसे वॉच है ये एक इंडिपेंडेंट चीज है. ऐसा हो सकता है कि उसकी कोर्स हो जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी चीज़ पर डिपेंड ना करता हो. आप उसको कभी भी जो है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल PIS में भी एक ऐसा कोर्स है आपके पास जो है वो जो आप कभी भी पढ़ लें, बस आपने पढ़ना है, लेकिन जो है उसके ऊपर कोई और कोर्स आपके पास जो है वो किसी कोर्स का प्रीरेक्विजिट नहीं है फॉर इंस्टेंस राइट, या वो किसी कोर्स से यानी उस कोर्स को पढ़ने के लिए भी आपको कोई और कोर्स पहले नहीं पढ़ना पड़ता. सो सिमिलरली फॉर दिस एग्जांपल एज वेल. सो हमने ये जो डिपेंडेंसीज थी इनको एक ग्राफ की फॉर्म में मार्क कर लिया और फिर हम इसकी लिनियर ऑर्डरिंग चाहते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ फिर ये काम कर लूँ फिर ये काम को फंक्शन. ये एक लिनियर ऑर्डरिंग है इसकी ना, ये मैंने इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर दी. कैसे कि अभी हम ये देखने जा रहे हैं
कि अब मैं अगर इस ऑर्डर के अंदर ये सारे टास्क को परफॉर्म कर लूं, अगर इस ऑर्डर के अंदर की आदमी सारे टास्क को अगर परफॉर्म कर ले तो जो है उसके पास कोई भी कंफ्लिक्ट की सिचुएशन जाएगी. सो रिमेंबर दैट डेफिनेशन, हमने कहा था कि अगर यू से वी कोई एज एग्जिस्ट करता है तो यू पहले आना चाहिए, वी बाद में आना चाहिए. कितना बाद में कितना पहले आना चाहिए डजंट मैटर, लेकिन ये वाली नोड जो है वो यानी सॉक्स वाली जो नोड है वो शूज से पहले आनी चाहिए. सिमिलरली शर्ट वाली नोड जो है वो बेल्ट से पहले बेल्ट से भी पहले आनी चाहिए और टाई से भी पहले आनी चाहिए, राइट, क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंडेंसीज मौजूद है. सो सिमिलरली जो है वो जैकेट जो है वो मेरे पास बेल्ट से भी पहले आनी चाहिए, शर्ट से पहले. इसकी जो है डिपेंडेंसी यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई शो नहीं की भी इन्होंने, बट देयर शुड बी अ डिपेंडेंसी. और जो है वो टाई से भी जो है वो पहले होनी चाहिए. सो देयर आर डिपेंडेंसीज कि इस काम के बाद ये काम हो सकता है और इस काम के बाद ये काम हो सकता है. सो हम इस किस्म की ऑर्डरिंग चाहते हैं, राइट. सो होपफुली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्यों होती है, कब होती है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी. अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम देख लेते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक्चुअली हम करते कैसे हैं. कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो बताइए. नो प्रॉब्लम्स, ओके. ऑलराइट, सो अब हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करनी थी. सो वी कैन यूज DFS ऑन दिस ग्राफ. हमें पता है DFS, जिसमें हमने खासतौर पर टाइम वेरिएबल का ट्रैक रखा था. DFS जब हम किसी ग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस DFS के अप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या जाता है, उस ग्राफ के हर हर नोड के ऊपर हम एक चीज और मार्क कर रहे थे, दैट इज स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम, राइट. स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम. सर एक बार फिर बोलिएगा. सो हम जब भी DFS किसी भी ग्राफ के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, हमने DFS के साथ एक टाइम वेरिएबल को भी अपेंड कर लिया था और हमारे पास जो है हर नोड का स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम आ जाता था. जैसा कि यहाँ DFS अप्लाई करने का, मुझे हर नोड के साथ जो है वो स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम नजर आ रहा. फॉर इंस्टेंस मैंने जो है वो शर्ट से स्टार्ट कर लिया एल्गोरिथम, तो वो यहाँ से यहाँ गया. इसका स्टार्टिंग टाइम 1 डिफाइन किया, इसका स्टार्टिंग टाइम 2, इसका स्टार्टिंग टाइम 3 डिफाइन किया, फिर इससे कहीं और नहीं जा सकता, इस नोड को एंड कर लिया. इसका फिनिशिंग टाइम 4, इसका फिनिशिंग टाइम 5 और इसका फिनिशिंग टाइम जो है वो मेरे पास जो है वो फिर यहाँ से बहरहाल वापस यहाँ जा सकता था. इसका स्टार्टिंग टाइम 6 और इससे कहीं और नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये नोड ऑलरेडी जो है ब्लैक हो चुकी थी. इसका फिनिशिंग टाइम जो है 7 हो गया, फिर वापस यहाँ पे इसका फिनिशिंग टाइम 8 हो गया. फिर नेक्स्ट नोड्स के ऊपर जो है वो एल्गोरिथम चलेगा मेरे पास. इस नोड के ऊपर अभी तो अप्लाई किया, मे बी इस नोड के ऊपर जाए लेकिन ये ऑलरेडी ब्लैक होगा, DFS विजिट इसके ऊपर कॉल ना हुआ, फिर इसके ऊपर कॉल हुआ DFS विजिट, और कहीं भी जा सकता था, इट डजंट मैटर. सो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम डिफाइन किया, फिर किसी और ऊपर चला गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ नजर आ रहा है स्पोर्ट के ऊपर गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ नहीं गया, यहाँ तो ऑलरेडी जा चुका था, नोड ब्लैक थी. सो 11 फिनिशिंग टाइम 12, यहाँ से फिर स्टार्टिंग टाइम 13 पर इसी को फिनिश कर दिया 14, वापस यहाँ पर रिटर्न हुए 15 16 और फाइनली 17 18. सो जब भी DFS अप्लाई करेंगे हमारे पास साथ में हर हर वर्टेक्स का स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम आ जाया करेगा, जैसा कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट. अब हम स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम को एक्चुअली या फिनिशिंग टाइम को एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे टू सॉर्ट टू टोपोलॉजिकली सॉर्ट दिस ग्राफ. एंड द आइडिया इज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हम बस छोटा सा क्या लिखा हुआ है, वी रन DFS. DFS जब हम अप्लाई करेंगे सो हमारे पास हर नोड का स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम आ जाएगा, और जब भी कोई वर्टेक्स फिनिश होगा हम उसको आउटपुट कर दिया करेंगे. Vertices are output in reverse topological order. So हमारे पास जो है reverse topological order में vertices जो है वो output हो जाएगा. For instance मेरे पास क्या था, मेरे पास ये vertex जैसी finish, सबसे पहले जो finish हुआ था वो मेरे पास 1 2 3 और 4 jacket finish हुई थी, तो मैं jacket को return कर दूंगा. Sorry. तो मैं जैकेट को जो है वो रिटर्न कर दूंगा. देन मेरे पास जो है फिनिश हुई थी टाई, टाई को रिटर्न कर दिया जाएगा. देन फिनिश हुई थी बेल्ट, बेल्ट को रिटर्न कर दिया. देन फिनिश हुई थी शर्ट. तो इस तरह से जब मेरे पास वर्टिसेस मैं रिटर्न करूंगा तो ये मेरे पास जो वर्टिसेस रिटर्न होंगे ये रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे. सबसे पहले मैंने जैकेट रिटर्न की थी और फिर मैंने टाई रिटर्न की थी, फिर बेल्ट रिटर्न की थी, फिर शर्ट जो है फिनिशिंग टाइम्स का जो है वो
शर्ट फिनिश हुई थी, फिर वॉच फिनिश हुई थी, फिर शूज पैंट्स एंड शॉर्ट्स एंड सॉक्स इस ऑर्डर में फिनिश हुए थे. तो मैं अगर इस तरह रिटर्न करता जाऊंगा तो मेरे पास रिवर्स सॉर्टेड के अंदर ये लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी और मैं उसको रिवर्स अंदाज में ट्रैक कर सकता हूँ कि अच्छा पहले ये काम करना चाहिए, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये टास्क जो है वो करना चाहिए. या वी कैन डू वन मोर थिंग, जो मैं सबको जो है स्टार्ट और फिनिश, लेकिन फिर मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा आखिर में. जिसका फिनिशिंग टाइम हाईएस्ट है उसको सबसे पहले जो है मैं रख लूँ, फिर जिसका उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट फिनिशिंग टाइम. तो एक्चुअली फिनिशिंग टाइम रिवर्स ऑर्डर के अंदर में फिनिशिंग टाइम जिसका हाईएस्ट होता है वो सबसे पहले आ जाता है और फिनिशिंग टाइम सबका सबसे लोएस्ट होता है, यानी जो सबसे पहले फिनिश हुआ था उसको जो है सबसे आखिर में होना चाहिए. सो अगर इस तरह से शॉर्ट कर लिया जाए तो हमेशा हमारे पास ये ग्राफ जो है टोपोलॉजिकल शॉर्ट हो जाएगा. टोपोलॉजिकल शॉर्ट का ये मतलब है कि अगर यू से वी कोई एज मौजूद है तो यू वी से पहले आ जाएगा, राइट. I'm again emphasizing, ये socks जो है वो कहीं भी आ सकते थे, यहाँ भी आ जाए या यहाँ भी आ जाए, बहरहाल ये topologically sort ही कहलाएगा. Important point क्या है कि shoes जो है वो socks से पहले आने चाहिए, चाहे वो इस task दो edges vertices के दरमियान आ जाए, चाहे वो इस दो vertices के दरमियान आ जाए, लेकिन shoes जो है socks जो है वो shoes से पहले आने चाहिए, right? Less than one minute है, so हम आपकी जो है वो queries यहाँ पे ले लेता हूँ. अगर कोई queries है तो फिर हम next session में next उससे lecture से start करते हैं. कोई queries है आप लोगों की? ठीक है साहब, आपके attendance मैंने mark कर लिया. email faisal.ahmed@pfke.edu.tk. और अर्शुजा आपकी भी हो गई जी. अब्दुलरहमान आपको कोई रोक नहीं सकता. ओके, वी आर एंडिंग दिस सेशन और जो है वो हम जो है दोबारा इसी पर जस्ट कनेक्ट हो रहे हैं, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं ले रहे हैं, जस्ट ऑलरेडी कनेक्ट.